भरूच जिला के अंकलेश्वर के पास शिरडी से दर्शन कर वापस लौट रहे वैसे वडोदरा के परिवार की कार में अचानक आग फूट निकलते हुए स्थानीय विस्तार में घबराहट का माहौल पैदा हुआ था। मिली जानकारी के आधार पर शिरडी से दर्शन कर वापस लौट रहे वैसे वडोदरा के परिवार को अंकलेश्वर के नेशनल हाईवे नंबर 48 के पास अचानक कार में आग फूट निकलते हुए स्थानीय विस्तार में हलचल का माहौल पैदा हुआ था। रोड हाईवे पर से गुजरती वैसी कार में अचानक से आग फूट निकलने की घटना अंतर्गत कुछ ही मिनटों में मानो पूरी कार आग की चपेट में आते हुए जलकर खाक हो चुकी थी। तो वहीं वाहनों में इस प्रकार की आग लगने की घटनाएं काफी यथावत रही है। अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे 48 पर अंकलेश्वर के पास कार में आग लगने की घटना अंतर्गत भारी अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ था। तो वहीं खुशकिस्मती से कार में सवार वैसे वडोदरा के परिवार का आबाद बचा हुआ था, जहां कार चालक सहित परिवार ने सतर्कता बरतते हुए तत्काल कार से बाहर निकलकर अपना बचाव किया था। तो वहीं मिनटों में ही ये पूरी कार आग की चपेट में आकर जलकर खाक होने के साथ स्थानीय विस्तार में हलचल मची थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को जानकारी देते हुए बचाव कामगिरी जारी की गई। अरे नहीं रहा था एनी बच्चे सूरत अमे लोग चा पानी करवा उभा रहे त्याँ अमे निकल निकलया तो पची रस्ता में अमरी गाड़ी अचानक एंजीन हिट करता आग पकड़ी थी और आग जो मन थोड़ू कन्फ्यूजन थूँ आग थोड़ी एक बे ट्रक थी ये बड़ा डिशीजन लेता लेता एक ट्रक ने अड़ी गयी और पीछे मैं गाड़ी साइड में करी मैंने अमरा घरवाड़ा ने बदा सही सलामत बहार काढ़या जितो सामान निकलवा तो एट्लो सामान मैं काढ़वा ट्राई करो ये छता भी घो बढ़ो सामान अमरा पैसा मारू वॉलेट ने बढ़ त्या गाड़ी में बढ़ू जली गयु है अत्यार हाल अमे अंकलेश्वर पुलिस स्टेशन में जाँ करवा जाइ रहा था कि अमरी वस्तु जो घटना बनी हुई अमे पुलिस स्टेशन में जाँ करें के वगे फोन करो ફોન કર્યો પોલીસ સો નંબર ઉપર પણ કંઈ એટલો બધો લાગ્યો નહીં ફોન। બીજું કે તમે શેરડીથી અમદાવાદ જતા હતા તો તમને ખબર કેવી રીતે પડી કે ગાડીમાં હીટ પકડાઈ ગયેલી છે? હીટ પકડાઈ ગઈ અચાનક આગ જ આવી આગ હીટ પકડાવવાનું કોઈ ઇન્ડિકેશન અંદર ગાડીમાં મીટરમાં દેખાયું નથી। અચાનક આગ પકડી સીએનજી ગાડી હતી અને કયા રીઝનથી થયું એક્ચ્યુઅલી ખબર નથી। થર્ડ પાર્ટી વીમો હતો, ફૂલ વીમો હતો તો કદાચ આપણે કંઈ એની સામે તમારા ઘરમાં કોઈને જાણવાની થઈ નથી, કોઈને કંઈક જાણવાની થઈ નથી, બધાને શાંતિથી બહાર કાઢી દીધું।